शिवांगी जोशी पर मेकर्स मेहरबान नहीं छोड़ रही है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, टीवी के लोकप्रिय सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जोड़ी काफी लंबे समय से दर्शकों को एंटरटेन करती नजर आ रही है। हालांकि अब ये कंफर्म हो गया कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी शो को छोड़ रही है। उनके आखिरी प्रोमो को देखने के बाद दर्शक थोड़ा निराश हुए। जी हाँ, लेटेस्ट प्रोमो में हम कार्तिक और नायरा को स्वर्ग में मिलते हुए देख सकते हैं। उन्हें एक नाव में बैठे हुए देखा जा सकता है। वे इस बारे में बात करते नजर आते हैं कि कैसे मौत के बाद भी प्रेम कहानियों को याद किया जाता है। कार्तिक और नायरा कहते हैं, वो प्यार ही क्या जहां दिलों में नजदीकियां ना हो, वो प्यार ही क्या जहां रिश्तों की कहानियां ना हो, जिंदगी के बाद भी कोई अपना दिलाएगा हमारी याद, आखिर वो प्यार ही क्या जिसकी निशानियां ना हो। यहां कार्तिक और नायरा पानी में एक दिया छोड़ते हैं जिसे उनकी छोटी बेटी आरोही उठाती है। बारिश शुरू हो जाती है और उनकी बड़ी बेटी अक्षरा छतरी की मदद से दिया की रोशनी को बुझने नहीं देती। बैकग्राउंड वॉइस कहती है, नए पेड़ के साथ नए रिश्तों का सफर। प्रोमो में बहुतों ने ध्यान नहीं दिया कि ये कार्तिक और नायरा की कहानी के बारे में था। इसमें दिखाया गया है कि कार्तिक नायरा से स्वर्ग में मिलता है ना कि सीरत से। शो में अब शिवांगी जोशी सीरत का किरदार निभा रही है। अभी सिर्फ कार्तिक का ही किरदार खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवांगी जोशी के किरदार को आगे बढ़ा दिया गया और वे कुछ समय तक सीरत का किरदार निभाती नजर आएंगी। खबर है कि मोहसिन खान अपनी कहानी पहले ही खत्म कर चुके हैं और शो छोड़कर चले गए हैं। हालांकि इस प्रोमो के साथ ये पुष्टि हो गई है कि नई पीढ़ी कहानी को संभालेगी और प्रणाली राठौड़ ने पुष्टि की है कि उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया है। कहा जा रहा है कि वह शो में अक्षरा या आरोही की भूमिका निभा सकती है। ये भी बताया गया है कि हर्षद चोपड़ा को शो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया।